एक दफा मौला की पधरामनी हुई, इन्होंने मेहमानी रखी। मेहमानी में यह आदमी मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के आराम से बैठे, इसको देख के बोला तुम यूरोप में थे? हाँ खुदावंद। कभी वापस आए? बातें चीते करते रहे। साहब ने इसके साथ इस तरह से बातें की कि इसने समझा कि यानी मेरा कोई दोस्त है, एकदम खुला हो गया। दो चार पांच मिनट के अंदर कहते योर हाइनेस मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो पूछो, क्या है? जरा हिचकचाने लगा। बड़े भाई ने आंखें निकाली, माँ की आंखों में आंसू आ गए कि अभी कुछ ऐसी बेईमानी की कोई बेअदबी की बात कर देगा। जरा हिचकचा। साहब ने इसको हाथ लगा के कहा पूछो पूछो, डरो मत, खुले दिल से पूछो। साहब ने इसको थोड़ा थपथपाया तो कहने लगा योर हाइनेस मेरा भाई है ना, वो कहता है आप खुदा हो। क्या आप खुदा हो? मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत हंसे, शर्मिंदा हो गया। तुम क्या समझते हो? उसको छोड़ दिया। अब ये फिर परेशान हो गया, क्या बोले? हाँ बोलो बोलो, तुम क्या समझते हो? खुले दिल से बोलो, डरो मत। हिचकिचाते कहता है मैं आपको अपना इमाम समझता हूँ, यू आर माई इमाम। शाबाश, वेरी गुड, बराबर है, मैं तुम्हारा इमाम हूँ। इसको थोड़ा जोर आ गया, भाई की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने लगा। भाई ने कहा खुदावन ये आपको इमाम मानता है, हम भी इमाम मानते हैं, लेकिन खुदावन हम तो आपको नूरानी हालत में खुदा मानते हैं। बराबर है, बराबर है, शाबाश, अलबत अलबत। ये फिर परेशान हो गया कि ये उसको वो जवाब दिया है, मेरे को ये जवाब दिया है, ये दोनों में सच्चा कौन है? कहते हैं नाइनस आई कांट अंडरस्टैंड। माँ बाप ने उसकी माँ की तरफ उंगली करके कहा ये तेरी कौन है? मेरी माँ है। तुम इसके बेटे हो? ये कौन है? ये मेरा भाई है। तुम इसके भाई हो? जी खुदा। ये कौन है? ये मेरी भाभी है। तो तुम इसके देवर हो? जी खुदा। तुम एक आदमी हो, इसके तुम बेटे हो, इसके तुम भाई हो, इसके तुम देवर हो, और कभी तुम्हारी वाइफ हो गए तो उसके तुम शोहर हो। तुम हो तो एक, ये सब के सब जुदे जुदे क्यों रिश्ते हुए? सोचने पड़ा, डीप थिंकिंग में पड़ गया, जवाब ना दे सका। माँ बाप ने उसकी गाइडेंस की, सब फरमाया देखो हमको दुनिया के अंदर बहुत से लोग पॉलिटिशियन मानते हैं, कोई हमको बड़ा आदमी समझता है, कोई हमको पैसे वाला समझता है, कोई हमको लीडर समझता है, कोई हमको पीर समझता है, तुम्हारी तरह हमको कोई इमाम समझता है, और वल्लाह ये हमको खुदा समझता है। जो आदमी जैसा हमको समझता है उसके लिए हम ऐसा है। अगर मुझे पीर तरीके मेरे साथ तुम रिश्तेदारी करते हो तो मैं तुम्हारा पीर हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ बड़े आदमी जैसी दोस्ती करके रिश्तेदारी की तो तुम्हारे लिए मैं बड़ा आदमी हूँ। कभी तुमने मुझको इमाम समझ के मेरे साथ रिश्तेदारी की तो मैं तुम्हारा इमाम हूँ। वल्लाह कभी तुम मुझको खुदा समझते हो तो मैं तुम्हारे लिए खुदा हूँ। वल्लाह कभी तुम मुझको खुदा समझते हो तो मैं तुम्हारे लिए खुदा हूँ। वल्लाह कभी तुम मुझको खुदा समझते हो तो मैं तुम्हारे लिए खुदा हूँ।